नमस्कार, यूथ कॉर्नर में आपका स्वागत है। मैं शिवकुमार प्रजापति। खबर आ रही है जनपद प्रयागराज मऊ आईमा से, जहां पर पत्रकार तालिब अंसारी ग्राम सभा मऊ आईमा के ग्राम पंचायत सदस्य चुने जाने से क्षेत्र में खुशी की लहर। पूरी खबर आपको विस्तार से बताते हैं, आप बने रहें यूथ कॉर्नर के साथ। प्रयागराज पंचायत चुनाव को लेकर मतगणना शुरू हुई। वहीं मऊ आईमा ग्राम सभा के वार्ड नंबर 9 से ग्राम पंचायत सदस्य पत्रकार तालिब अंसारी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी रणविजय सिंह चौहान को 128 मतों से पराजित कर दिया और अपनी जीत को हासिल किया, जिससे लोगों में जीत की सूचना मिलते ही क्षेत्रवासियों और पत्रकारों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। वहीं पत्रकार तालिब अंसारी ग्राम पंचायत सदस्य चुने जाने से क्षेत्र के लोगों ने पत्रकार के घर पर बधाई देने का तांता लगा रहा। वहीं ग्राम पंचायत सदस्य तालिब अंसारी ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि अपने क्षेत्रवासियों को नाली, खनंजा, बिजली समस्या, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन से लेकर सभी ग्रामवासियों के गरीबी असहाय लोगों की मदद करता जरूर रहूंगा। वहीं क्षेत्रवासियों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। आप वार्ड नंबर 9 के ग्राम पंचायत सदस्य चुने गए, अपने क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अपने क्षेत्रवासियों को बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं, मुबारकबाद देना चाहता हूं कि उन्होंने पूरा जो है मेहनत करके हमको भारी मतों से विजयी बनाए हैं। आपके क्षेत्र के आप जीते हैं तो आपके क्षेत्र के मुद्दे कौन कौन से हैं? हमारे क्षेत्र का मुद्दा ये है, जैसे कि नाली है, खड़िंजा है, इंटरलॉकिंग है और आवास है और भी सारी सरकारी सुविधा है, जैसे कि विकलांग हो गए, विधवा हो गए और 60 साल हो गए, जिनके पास कुछ नहीं है, खाने का नहीं है, राशन नहीं है, उनके लिए मैं खड़ा रहूँगा हमेशा के लिए। आप अपना परिचय दीजिए। मैं तालिब अंसारी, निवासी भट्ठा मोबाइमा प्रयागराज।